व्यतिकरण के प्रकार में आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। पहला आपका होगा समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। देखिए जब भी आपसे समपोषी कहेगा तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। देखो जब किसी माध्यम में दो तरंगे चलती है और जब दोनों तरंगों में अध्यारोपण होता है तो वहाँ उस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है, तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, तो इसी को कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। अभी आपको दिखा रहे थे तीव्रता माने बहुत लंबा लंबा उसका बनेगा जो आप तरंग की आयाम का चित्र में क्या कहा गया कि जब दो तरंगे किसी माध्यम में चलती है और माध्यम के किसी बिंदु पर उनका अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण माने मिलती है, तो उन तरंगों का जो प्रकाश की तीव्रता होता है अधिकतम होता है, तो उसे हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो लिख लो कि जब संपोषी, संतोषी थोड़ी लिखो, जब दो तरंगे किसी माध्यम में चलती है और वहाँ किसी बिंदु पर अध्यापरित या किसी बिंदु पर मिलती है, लिख लेना मिलती है, तो वहाँ जब प्रकाश का तीव्रता अधिकतम होता है तो उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण में जो आपका चित्र बनेगा इस टाइप का बनेगा, लंबा बनेगा, ये समपोषी व्यतिकरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बोलाइएगा इसको फ्रैक्चर बना लीजिए।